So first question arises to your mind that what is constitution? Leave it constitution. Just tell me. आप कोई ना कोई गेम तो प्ले करते हो, जस्ट लाइक क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, और अब अपने घर पे तो आप कैरम प्ले करते होंगे, यू आर एबल टू प्ले कैरम या लूडो प्ले करते होंगे। तो जब आप कैरम भी प्ले करते होंगे तो उसमें रूल है कि भाई 4 पर्सन होने चाहिए, एटलीस्ट 2 पर्सन प्रेजेंट होनी चाहिए गेम में, या टीम गेम यू वॉन्ट टू प्ले तो 4 मेंबर बढ़ दिए तो 4 होने चाहिए। तो जब आप कैरम प्ले करते हैं तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं कि भाई बॉक्स बना होता है पूरा एक, ठीक है, और यहाँ पर टारगेट होता है कि आपको इसके अंदर डालना होता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्राइकर, आपको पूरी गोटी इसमें डालनी होती है या कुछ लाइंस बनी होती है, लाइंस के पीछे रखकर यूज करना पड़ता है। तो एक गेम के रूल्स है, ऐसे क्रिकेट के कुछ होते हैं रूल्स। ये रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप किसी भी गेम को स्मूथली और अच्छे से प्ले कर सको, ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। इन द सेम मैनर मैं बात करूं तो रूल्स एंड रेगुलेशन एक कंट्री को रन करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। इफ देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशन तो जो कुछ भी किसी के मन में आएगा वो करेगा। सो दैट्स व्हाई इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन होते हैं, ठीक है। और जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो हर किसी के लिए इक्वल होते हैं, हर एक सिटीजन के लिए, जो वहां की गवर्नमेंट होती है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स दे आल्सो हैव टू फॉलो दैट रूल्स एंड रेगुलेशन। और लॉ से बड़ा कोई नहीं होता, लॉ इज द सुप्रीम, लॉ सबसे बड़ा होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन द राइट्स, हियर मेंशन द राइट्स ऑफ सिटीजन, कि कुछ ना कुछ राइट्स होते हैं हर एक सिटीजन के, पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड द हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन, सब कुछ मेंशन होता है कि कैसे गवर्नमेंट को फंक्शन करना है, हाउ द वी आर गोइंग टू इलेक्ट प्रेसिडेंट, हाउ वी आर गोइंग टू इलेक्ट पीएम, सीएम को कैसे करते हैं इलेक्ट, व्हाट इज द प्रोसीजर, सब कुछ मेंशन है। अब मैं जरा यहां से एक बात बताऊंगा आपको, राइट टू सिटीजन, इट मींस हमारे सिटीजन के हमारे बेसिक राइट्स क्या होते हैं। इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिक राइट्स जो आप सबको पता होने चाहिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और हम सबको इफ यू आर लिविंग इन इंडिया तो ये सब आपको मिलेंगे। ये राइट्स हैं 6 फंडामेंटल राइट्स, तो हम सब आज याद करेंगे और इसके बाद आप सबको याद हो जाएंगे। तो कुछ ऐसी बात है भाई, फ्री का तो आप लोग कुछ नहीं छोड़ते हो, ये आपका वो फ्री का पीरियड हो, अभी आप घर पे जैसे फ्री हो तो सब घर पे बैठ के मस्ती कर रहे होंगे आप सब, और फ्री तो फ्री सीसी, ठीक है, फ्री सीसी के नाम से आप याद करोगे सारे फंडामेंटल राइट्स। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल फंडामेंटल राइट्स व्हिच वाज गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स, कैसे याद करना, फ्री सीसी, फ्री का तो कुछ नहीं छोड़ते हो तो एक बॉटल मिल गई आपको फ्री में, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की, जो जो आपकी फेवरेट हो वो आप एज्यूम कर लो। सो फर्स्ट राइट की बात करते हैं, तो फर्स्ट राइट है राइट टू फ्रीडम, सेकेंड राइट है राइट टू रिलीजन, थर्ड राइट है राइट टू इक्वलिटी, ऑल आर इक्वल, फोर्थ राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, मैं इसे बाद में करूंगा एक्सप्लेन आपको, दिस वन इज कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, दिस राइट, और ये वाला राइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा फील हो कि मुझे ये 5 राइट नहीं मिल रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू गेट दिस 5 राइट, तो आप 6th राइट का यूज करके, दिस वन, इसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन डायरेक्ट अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इफ यू फील दैट कि आपके फंडामेंटल राइट वायलेंस हो रहे हैं, देन यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द फंडामेंटल राइट्स वन बाय वन। फर्स्ट राइट इज राइट टू फ्रीडम, इसमें क्या आप लोग बिल्कुल ही फ्री हो, जैसे घर पे बैठे हो वाला फ्री नहीं, फ्री इन द लाइक दैट आपका जो मन कर रहा है, जो आप ऑक्यूपेशन करना चाहते हैं आप वो काम कर सकते हैं। इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस योर व्यूज यू आर फ्री, यू कैन एक्सप्रेस योर व्यू बिकॉज यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। थोड़ा बेसिक बताऊंगा, ठीक है। सेकेंड राइट इज
राइट टू रिलीजन, आपको राइट है, आप कोई भी रिलीजन को एडॉप्ट कर सकते हो, कोई भी रिलीजन हो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। इफ यू वांट टू बी अ हिंदू यू बी अ हिंदू, इफ यू वांट टू बी मुस्लिम यू कैन बी अ मुस्लिम, यू कैन एडॉप्ट इस्लामी, ठीक है, इस्लाम को कर सकते हो एडॉप्ट, आप सिख बन सकते हो, इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी है, आप जो रिलीजन एडॉप्ट करना चाहते हो आप उसे एडॉप्ट कर सकते हो, अगर आप क्रिश्चियन बनना चाहते हो तो क्रिश्चियन बन जाओ, इट्स अप टू यू, नो वन इज गोइंग टू फोर्स यू। थर्ड राइट इज राइट टू इक्वलिटी, इट मींस ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, लॉ की नजरों में सब क्या है, ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, या वो पीएम हो, या वो प्रेसिडेंट हो, या वो सीएम हो, या वो एक टीचर हो, वेदर कोई लॉयर हो, या वो जज हो सुप्रीम कोर्ट का, ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। देन दिस वन इज कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, इसमें हर एक कल्चर को प्रमोट करने का सबको राइट है, अपने अपने कल्चर को प्रमोट करने का और उसकी एजुकेशन को देने का, फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन अंडर दिस कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। लास्ट वन, अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि ये नहीं मिल रहा आपको, भाई आपको फ्रीडम नहीं मिल रही, आपको आपका जो रिलीजन है उसे आप फॉलो कर नहीं पा रहे हो, आपको इक्वलिटी नहीं मिल रही, और ये मैंने बताया आपको राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, अगर कोई आपका एक्सप्लोइटेशन कर रहा है, जबरदस्ती पकड़ के काम करवा रहा है, मजदूरी करवा रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप उसको अपोज कर सकते हैं और आप कंप्लेन कर सकते हैं, दिस इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, और ये है राइट टू राइट ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन राइट। दिस वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, लास्ट वन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी बन जाता है, ठीक है, और हम सबके लिए, और आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है, अंडर आर्टिकल 32 आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो, इट्स क्लियर।